सब्सक्राइब कीजिए एमके फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, आज मैं आप लोगों के 3 ऐसे ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा और आप मुझे ये कहोगे कि यार एमके फैक्ट्स, तुमने ये ट्रिक पहले क्यों नहीं बताया। मेरे ट्रिक से आपका बैटरी लाइफ बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा, यानी अगर आप एक बार फ़ोन को चार्ज करोगे तो 2-3 दिन तक तो आराम से चला सकते हो। ये सारे चीज़ जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए इंट्रो देखने के बाद शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इस जगह लाइक कीजिए। वीडियो बुरा लगे तो बाद में डिसलाइक कर देना, बट फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो मैंने आपको ये बताया था कि मैं आप लोगों को 3 ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ था जिसके मदद से आपका फ़ोन का जो बैटरी लाइफ है वो इंक्रीज़ कर पाओगे, यानी आपका बैटरी लाइफ पहले से ही ज़्यादा चलेगा। तो गाइस, उसके लिए हमें कुछ करना होगा, कुछ सेटिंग्स करना होगा जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको जाना होगा अपने फ़ोन में, फ़ोन के सेटिंग्स पर। ओके, तो फिर सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लेना होगा। जिन लोगों को डेवलपर ऑप्शन ऑन करना नहीं आता तो मैं उन लोगों को बता दूँ, आपको सबसे पहले जाना होगा अबाउट फ़ोन के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नीचे, सबसे नीचे अबाउट फ़ोन, एंड उसके बाद आपको ढूंढना होगा बिल्ड नंबर। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे बिल्ड नंबर 7 टाइम प्रेस कर देना है, यानी 7 बार प्रेस कर देना है। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर चुका हूँ। तो गाइस, अलग अलग फ़ोन में अलग अलग कैटेगरी होते हैं, तो आपको ढूंढना है अबाउट फ़ोन एंड उसके बाद जाना है आपको बिल्ड नंबर पर। ओके, एंड जैसे कि MI फ़ोन में अलग होता है, MI फ़ोन में अबाउट फ़ोन के अंदर MI UI वर्सन को क्लिक करना होता है। तो आपके मर्जी, आपको सिर्फ डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। तो उसके बाद डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कीजिए एंड उसके बाद आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन ऑफ रहेगा, आपको ऑन कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर, इसे क्लिक करके ऑन कर देना है एंड आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। ओके, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आना है एंड नीचे में आपको वो ऑप्शन दिखा गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डोंट कीप एक्टिविटीज़। ओके, आपको इस ऑप्शन को इनेबल कर देना होगा। एंड लास्ट में जो ये ट्रिक्स है ना, तो कमाल का ट्रिक्स है यार। यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, ये क्या होता है मैं आपको बता दूँ। ये स्टैंडर्ड लिमिट रहेगा आपके फ़ोन में। बेसिकली अगर आपका फ़ोन में 1 GB रैम है तो आप एटमोस्ट 1 प्रोसेस कर सकते हो, 2 GB रैम एटमोस्ट 2 प्रोसेस कर सकते हो। अगर मेरा मानो तो, अगर आपका फ़ोन ज़्यादा चार्ज नहीं रहता है तो आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि ये प्रोसेस, अगर आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर दोगे ना तो आपके जो फ़ोन के जो बैकग्राउंड होते हैं ना, उस बैकग्राउंड में किसी भी एप्लीकेशन रन नहीं करेगा। तो ऐसे में आपका बैटरी भी खर्च नहीं होगे। तो आपका बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होते हैं इसी वजह से कि आपका बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्लीकेशन रन करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि वो रन कर रहा है या नहीं। तो ऐसे में आपका बैटरी जो है शटर डाउन हो जाते हैं। तो ऐसे में कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ट्रिक्स लेकर आता रहता हूँ। तो यार अभी लाइक करो। तो आपको सबसे पहले ये इस चीज़ को करना होगा, नो बैकग्राउंड प्रोसेस, एंड उसके बाद आपको बैक आ जाना है और कुछ भी नहीं करना है, आपको बैक आ जाना है। तो मेरा जो सेकंड नंबर का ट्रिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है एंड लास्ट का जो ट्रिक है वो तो लाजवाब है यार। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एक नंबर ट्रिक्स तो गया एंड दो नंबर ट्रिक जो है ये है आपका ये ब्राइटनेस। जी हाँ गाइस, आपका ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस को आप मीडियम या फिर ऑटो पर रख सकते हो आप। जी हाँ, आप ऑटो पर रख सकते हो, मेरा मानो तो आप ऑटो पर रखो, क्योंकि आपका फ़ोन की हिसाब से ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा कि कितना ब्राइटनेस चाहिए। तो गाइस, ऑटो पर रखो, हमेशा ऑटो पर रखो, या आपके ऊपर, आपके ऊपर कि आप स्मॉल रहना चाहते हो या फिर कम या फिर ज़्यादा, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि आपका बैटरी लाइफ, आपका फ़ोन का बैटरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा चले, यानी आप एक बार चार्ज करो तो बहुत बार
कुछ दिन तक चले तो आपको ऑटो को एनेबल कर देना होगा, ओके क्लिक कर देना होगा। एंड लास्ट में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त जो ट्रिक है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपका होश उड़ जाएगा गाइस, तो आप ये मुझे कहोगे कि अरे एमके फैक्ट्स तुमने ये पहले बताना चाहिए था। तो ओके मैं आपको बता दूँ कि सेटिंग नहीं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ वो ट्रिक्स है क्या। तो बेसिकली आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते, तो बैक बटन को क्लिक करते हैं, यहाँ पर बैक बटन को क्लिक करते हैं फ़ोन को वाइब्रेट हो जाता है, फ़ोन अपना फ़ोन वाइब्रेट हो जाता है। एंड उसके बाद होम बटन को प्रेस करते हैं एंड फिर से हो जाता है, यानी वाइब्रेट होता है। रिसेंट बटन को प्रेस करते हैं एंड फिर से वाइब्रेट हो जाता है। ऐसे में आपका जो बैटरी है वो खर्च होते हैं, आप नहीं जानते हो बट ये खर्च होते हैं। तो ऐसे में वाइब्रेट होने लग जाता है एंड इनकमिंग कॉल। एंड उसके बाद आपका डायल पैड में ऑप्शन, अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो यानी किसी नंबर को डायल कर रहे हो तो उस वक्त जो है वाइब्रेट होने लगता है अपने फ़ोन। तो ऐसे में आपका फ़ोन का चार्ज बहुत ही ज़्यादा खर्च होते हैं। तो आपको करना क्या होगा, सिंपली सेटिंग्स पर जाना होगा एंड सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको ढूंढना होगा साउंड, ओके साउंड नामक एक ऑप्शन है तो उसे आपको ढूंढना होगा। तो मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर है पर्सनल एंड यहाँ पे देख सकते हो साउंड। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वाइब्रेट लिखा हुआ है एंड साउंड इफेक्ट्स लिखा हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पर सारे चीज ऑन होगा, तो एक एक करके आपको ऑफ कर देना है। तो आपको यहाँ पर किन चीज़ को ऑफ कर देना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ऑफ कर देना है टच टू वाइब्रेट, ये आपका सभी चीज़ों को वाइब्रेट कर देते हैं। जैसे कि आप बैक बटन को क्लिक करते हो तो वाइब्रेट होना लगता है, होम बटन को क्लिक करते हो तो वाइब्रेट होने लग सकते हैं, रिसेंट बटन को प्रेस करते हो तो वाइब्रेट होने लग सकते हैं। बट यहाँ पर और एक चीज ऑप्शन दिया गया है, ऑल्सो वाइब्रेट फॉर कॉल्स, तो आपको इसे ऑफ नहीं करना है गाइस, इसे आपको ऑफ नहीं करना है। यानी अगर आपके फ़ोन में, अगर आपका फ़ोन साइलेंट रहता है उस वक्त आपका फ़ोन पॉकेट में रहता है एंड उस टाइम पे आपके फ़ोन में एक कॉल आता है तो आपको वो कॉल नहीं पता चलेगा कि यार किसने कॉल किया, कॉल आया है या नहीं। तो गाइस अगर यहाँ पे वाइब्रेट होने लग जाएगा तो आपका फ़ोन आप जो है आसानी से पकड़ पाओगे कि किसी ने मुझे कॉल किया है। तो यहाँ पे और एक चीज़ दिया गया है साउंड इफेक्ट्स, तो यहाँ पे आपको सारे चीज़ को ऑफ करना है। जैसे कि आप देख सकते हो डायल पैड टोन, इसे ऑफ करने के बाद आप जो फ़ोन में किसी को भी कॉल करोगे तो नंबर डायल करोगे तो उस वक्त आपका फ़ोन में साउंड नहीं होगा। तो टच साउंड ये इसे भी ऑफ कर देना, जैसे कि आप स्क्रीन पर क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन जो है साउंड करेगा। एंड स्क्रीन टू स्क्रीन लॉक साउंड इसे भी आपको ऑफ कर देना है। तो इससे क्या होगा, अगर आप जब ही स्क्रीन को अनलॉक करोगे तो उस वक्त एक साउंड होते हैं वो साउंड यहाँ पर सुनाई नहीं देगा। तो ऐसे में आपका फ़ोन जो है काफ़ी कूल रहेगा एंड बैटरी भी इतना ज़्यादा खर्च नहीं होगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने ऐसे तीन ट्रिक्स बताया हूँ जो कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। अब शर्त लगा लो कि कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, हाँ कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो बताता है बट ये थ्री ट्रिक्स कोई नहीं बताएगा यार सच में। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो यार कमेंट करो, कमेंट करने में क्या बुरा है यार, आप लोग कमेंट करना छोड़ दिया है क्या यार, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, अपना ओपिनियन शेयर करो कि ट्रिक्स कैसा लगा, ऐसे ट्रिक्स लाना चाहिए या नहीं, तो अभी कमेंट करो यार, आप लोग कमेंट नहीं करते। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक करो, अभी लाइक करो, क्योंकि मैंने इतना अच्छा सेटिंग्स मैंने आप लोगों को बताया तो यार एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो गाइस अभी लाइक करो, और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बहुत ही आने वाला है यार, तो अभी सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए जियो।